अभी एफसीआई के एग्जाम्स चल रहे हैं जिनके हो गए हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके एग्जाम कैसे हुए हैं और जिनके होने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि एग्जाम आपका इतना ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन अपनी करके अगर जा रहे हो ना तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लोगे। ओके, तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए और एग्जाम को देके आइए, एंड प्लीज लेट मी नो कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऑलरेडी इंडल्ज हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, लाइक आपका अगर क्वांट रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश अगर ठीक है, स्ट्रांग है, या फिर आप मैं बोलूं आपका अगर बेसिक क्लियर है इन फोर सेक्शंस के, तो आप इजीली किसी और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो 2023 में जो एग्जाम्स आने वाले हैं आपके। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज निधि, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने मतलब कैसे हम किसी भी एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं, हमें क्या चीज करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स को अप्रोच कर पाए और डेफिनेटली एक गवर्नमेंट जॉब तो हम सिक्योर कर पाए अपनी 2023 में। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो मतलब अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप एक गवर्नमेंट जॉब जरूर अपने लिए सिक्योर कर लोगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं 2023 में। ऑब्वियसली इलेक्शन है आपका नेक्स्ट ईयर, तो बहुत सारी वैकेंसीज लाइनअप है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और बिंदास होकर प्रिपरेशन करिए। और जो भी एग्जाम आ रहे हैं ना, मतलब अगर उनके सिलेबस सेम है तो बस फॉर्म डाल दो, एग्जाम देखे आओ, आप डेफिनेटली एक एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, देखिए बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं, इसके साथ साथ आपका आपका आईवी का इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो 2022 में आपका कैंसिल हो गया था एग्जाम, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में आने के। मतलब आप मान सकते हो अप्रैल तक, मतलब अप्रैल से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसमें मतलब आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस पे पोस्ट चाहिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। एलिजिबिलिटी भी मतलब ऐसी है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, नॉर्मल 10th पास स्टूडेंट एलिजिबल है इसमें, ठीक है। एज लिमिट 18 से 25, 18 से 27 दोनों में वरी करती है आपकी। 18 से 27 आपका SA में है यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट में है, देन MTS में आपकी थोड़ी सी कम है, 25 है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इस एग्जाम से रिलेटेड, या फिर अभी आपका आरबी असिस्टेंट का भी है, अटेंडेंट का भी एग्जाम आने वाला है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये मतलब काफी अपने आप में काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफी अच्छा पे स्केल भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और ऑलरेडी किसी प्रिपरेशन में हो, तो क्यों नहीं उस चीज को मतलब कंटिन्यू रखो, क्यों नहीं अपने जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखो। मतलब एफसीआई का आपका एग्जाम जैसा भी हुआ हो, जिसका भी फर्स्ट को हुआ है, जिसका भी सेवन्थ को हुआ है, जैसा भी आपका एग्जाम हुआ, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ओके, डिमोटिवेट किसी भी एग्जाम के बाद में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत एग्जाम्स हैं, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और ये सारी वैकेंसीज मैं आपको मतलब एक साथ तो नहीं बता सकती हूँ, बट स्टिल मैं आपको टाइमली जो भी वैकेंसीज आएंगी तो मैं उनका ना वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती रहूंगी। तो आपको कैसे के एग्जाम से रिलेटेड वहां पे अप्रोच करना है, किस एग्जाम की कैसे, मतलब जब भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसका कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ओके, अभी जनवरी मंथ में भी काफी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनके वीडियोज आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और प्रिपरेशन मैं अगेन बोल रही हूँ, आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, GA जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़नी है, आप किसी स्टेट PCS या फिर आप किसी UPSC के एग्जाम को नहीं देने जा रहे हो। आप अगर मतलब जो जैसे आपका FCI में भी जो जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन आए थे, जो मतलब स्टैटिक क्वेश्चन थे, अगर आप ल्यूसेंट की बुक को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेते हो, एनफ फॉर यू। ओके, तो आप इस तरह से अगर एग्जाम्स को अप्रोच करेंगे ना, मतलब जो आपके नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें जनरल स्टडीज आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा डीपली अंदर घुस के पूछेंगे कि भाई आपको नहीं पूरा स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है उसके लिए, या फिर अलग अलग स्टैंड अप बुक पढ़नी है, नो नीड फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आईवी की भी बात करें तो उसमें 40 मार्क्स का आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस है, टोटल आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें अदर 3 पोर्शन है नॉर्मल, भाई इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग आएगा, और आपका 40 मार्क्स का जो 60 मार्क्स का, तो ये 3 पोर्शन हो गया, देन आपका 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज है। इन दोनों ही चीजों को आपको अच्छे से करना है ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से अप्रोच कर पाए। ये आपका फर्स्ट टीयर 1, एंड देन हम टीयर 2 पे आएंगे,
अभी मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस की ही बात कर रही हूँ। टीयर टू पे अगर आप आएंगे तो टीयर टू पे आपका जो होगा वो ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऐसा नहीं कि जहां पे आपको प्रेस ये ऐसे ऐसा कुछ लिखना है, इसमें आपको एक लोकल लैंग्वेज, मतलब जैसे मैं यहाँ पे मेरी जो एरिया की लैंग्वेज है ये हिंदी है, ठीक है, तो मुझे अपने एरिया की लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको या तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कुछ भी आपको लिख के दे देंगे उसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, या इंग्लिश में आपको पैसेज दे देंगे उसको आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इस तरीके से आपको वहां पे टीयर टू में देखने को मिलेगा दोनों ही पोस्ट में। एंड द थर्ड वन आपका जो सिक्योरिटी असिस्टेंट में ही आएगा खाली, ये आपका है स्पोकन, मतलब आपको आपकी जो लोकल लैंग्वेज है इसको अच्छे से बोलना आना चाहिए। मतलब अगर आप इंटरव्यू देंगे ना तो इंटरव्यू के दौरान ही वो आपसे कुछ आपके क्वेश्चंस आपके लोकल लैंग्वेज से पूछेंगे। ये खाली एमटीएस में है, सॉरी सिक्योरिटी असिस्टेंट में है, एमटीएस में नहीं है। ओके, तो वहां पे आपके मतलब उनका ये है, ये जो ओवरऑल वो जो भी कुछ करेंगे ना इंटरव्यू में, उनका सिर्फ पर्पस यही है कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, ठीक है। इंटरव्यू भी इतना हाईफाई नहीं होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होता है आपका, इंटरव्यू आप डेफिनेटली इजीली क्लियर कर लोगे। सैलरी बोले तो सैलरी काफी अच्छी देखने को मिलती है। टेंथ पास स्टूडेंट हो आप, जहां आपकी मतलब एलिजिबिलिटी टेंथ पास है वहां आप अच्छे से, मतलब अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पे जा रहे हो तो आप 20 से अबव ही आपको सैलरी देखने को मिलेगी, और ये मतलब मैक्सिमम सैलरी लिमिट तो इसकी 60 प्लस है, बट मतलब इस बीच में रहेगी आपकी 20-60 के बीच में। एंड आपका जो एमटीएस की पोस्ट है 18-56,000 मैं बात कर रही हूं मैं, ओके तो मतलब इस बीच में आपकी रहेगी 1000, मतलब 20,000 से आपकी 60,000 के बीच में आपकी रही सैलरी, 18,000 से आपकी 55,000-56,000 तक आपकी, मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब अपने आप में ये सारी चीजें काफी अच्छी हैं, तो आप अगर चाहोगे बिना तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और जिन लोगों की एज काफी हो गई है, नहीं प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर 30 प्लस है, तो डेफिनेटली गाइस की नए साल में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करिए, कुछ सोचिए, सीरियसली सोचिए अपने करियर से रिलेटेड, बिकॉज दीज आर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, आपको जॉब मिलती भी है नहीं भी मिलती है, तो हम अगर जितना रियलिटी में रहें उतना ज्यादा बेटर है। आई नो की मेहनत करनी चाहिए अपने को, 100% अपना देना चाहिए, अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो आगे बढ़ो, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती, जो आपने पढ़ा है ना वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में और आपके अंदर ना जो चेंजेस आते हैं, आप जब किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो भले आपका हो नहीं हो, लेकिन जो आप अपनी मेंटेलिटी में अपनी थिंकिंग में जो आप चेंजेस देखोगे ना, ये डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन फेज से जो पहले का फेज था, आप जैसे पहले थे उससे बहुत डिफरेंट हो गए, ठीक है। एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत बहुत चीजें होती है, जो हम चीजें पढ़ते हैं ना उससे हमारी थिंकिंग काफी काफी चेंज होती है, विच हेल्प्स यू अ लॉट इन योर लाइफ। ओके, तो नई साल में नई शुरुआत करिए, नया कुछ अच्छा देखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आप एज अ फ्रेंड आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। एंड आई एम थिंकिंग टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा। एक बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे कुछ अपडेशन देना हो आपको, या जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उससे रिलेटेड भी, तो वो काफी हेल्पफुल भी रहेगा। तो मैं 2023 में सोच रही हूँ कि मैं वो ग्रुप जरूर बनाऊं, क्योंकि आपके लिए भी गाइस काफी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन को करिए कंटिन्यू रखिए, और मजे में रहिए, स्माइल करते रहिए, और नए साल में कुछ नया सोचते रहिए। एंड इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय।